तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, जैसे भी हो नीचे कमेंट बता देना। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2022 की लेटेस्ट मॉडल होंडा साइन कल्ट सेलिब्रेशन एडिशन, जिसे हाल ही में होंडा की तरफ से लॉन्च किया गया है 2022 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं कि होंडा साइन के सेलिब्रेशन एडिशन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, और साथ ही साथ इसका जो लुक मिलता है इसके नॉर्मल मॉडल से आपको थोड़ा सा प्रीमियम लगता है देखने में। तो हम आपको इसके फीचर्स स्पेसिफिकेशन के साथ इसकी चेंजेस की बात करेंगे और साथ ही साथ इसके प्राइस की भी बात करेंगे। तो दोस्तों गौर करिएगा, हम आपको इसके एक्सम प्राइस के साथ इसकी ऑन रोड प्राइस भी बताएंगे कि अगर आप लोग 2022 में धनतेरस दिवाली में अगर आप लोग होंडा साइन के सेलिब्रेशन एडिशन को लेने जाते हैं तो ये जो बाइक है ना आपको कंप्लीट कितने में देखने को मिल जाती है। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज हम एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे की वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके सबसे पहले चेंज के बारे में जो कि इसके बॉडी में देखने को मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसकी जो पूरी बॉडी है ना आपको गोल्डन कोटेड देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो अभी आप जो स्क्रीन पे कलर देख रहे हैं ये इसका मैट रेड मेटालिक कलर है जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखिए जो होंडा का जो बैचिंग मिलता है ना इसके नॉर्मल मॉडल में आपको क्रोम में मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो आपको गोल्डन कोटेड आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको जो गोल्डन कोटेड जो बॉडी पे जो ग्राफिक्स मिलती है, जो लोगो मिलते हैं, इसका जो लुक निकल के आता है ना इसके नॉर्मल मॉडल से आपको प्रीमियम लगता है देखने में, और साथ ही साथ ये जो रेड मेटालिक कलर है ना ये एक अलग ही कलर निकल के आता है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो गौर करिएगा इसमें आपको दो मॉडल मिलता है, जिसमें से पहला है इसका ड्रम मॉडल जिसकी एक्सम प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 79,092 रुपीज एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और इसका जो दूसरा मॉडल आती है वो आती है इसका डिश मॉडल जिसकी एक्सम प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 83,092 रुपीज एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करते हैं इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो इसका जो ड्रम मॉडल है ना वो लगभग आपको पड़ेगा 98,000 टू 99,000 के बीच में आपको कंप्लीट देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका जो डिश मॉडल है ना वो लगभग आपको पड़ेगा 1,03,000 टू 1,05,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसके नॉर्मल मॉडल से इसकी जो प्राइस है ना 1,000 रुपए ज्यादा रखी गई है होंडा की तरफ से। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट से, तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा वही सेम आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलती है जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी ज्यादा कंफर्ट देखने को दे देती है। और यहाँ पे देखिए साइड में देखते हैं रिफ्लेक्टर देखने मिल जाती है, और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा ये इसका डिच मॉडल है, तो इसमें आपको फ्रंट में आपको 240 एमएम का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने मिल जाती है, लेकिन अगर आप इसका ड्रम मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको 130 एमएम का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने मिल जाती है विद सीबीएस सिस्टम के साथ। और इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिलता है 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा होंडा को और ज्यादा काम करना चाहिए, कम से कम इसमें 100/80 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर जरूर देना चाहिए, लेकिन अभी भी इसमें आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है होंडा की तरफ से। तो दोस्तों जो एसपी और साइन के जो लवर है ना उनको टायर को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है, तो होंडा को थोड़ा सा इसके टायर को और ज्यादा चौड़ा करना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्रंट से लुक है ना काफी प्रीमियम लगता है देखने में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वाइजर पे आप देखते हैं व्हाइट कलर में आपको होंडा की बैचिंग मिल जाती है, और साथ में आप देख सकते हैं इसमें आपको जो पहले जो नॉर्मल मॉडल आते हैं ना उसमें आपको क्रोम में आपको बॉडी मिलती है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें आपको गोल्डन कोटेड बॉडी मिलती है जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसके साइड इंडिकेटर के बारे में, तो इसका जो साइड इंडिकेटर है ना वही सेम आपको 10 वाट का बल्ब इंडिकेटर मिलता है, और साइड में देखते हैं काफी अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है ग्रे और गोल्डन कलर में। तो दोस्तों ये जो गोल्ड का डिजाइन में आप देखते हैं जो गोल्डन कोटेड में इसकी बॉडी मिलती है ना फ्रंट में, ये इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करती है। और अगर हम बात करते हैं इसके हेडलैम्प के बारे में, तो इसका जो हेडलैम्प मिलेगा ना इसमें अभी भी आपको 35/35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिलते हैं, इसमें अभी भी आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को नहीं मिलती है। थोड़ा सा अब इसमें एलईडी हेडलैम्प मिलना चाहिए जैसे कि SP125 में मिलता है, लेकिन अभी भी इसमें आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड से लुक के बारे में, तो दोस्तों ये जो रेड मेटालिक कलर है ना इसमें आप देख सकते हैं इसका जो लुक निकल के आता है ना गोल्डन कोटेड लोगो के साथ वो अलग ही लुक में निकल के आती है। तो आप लोग बताना कि इसका जो साइड से लुक है ना ये आप लोगों को कैसी लग रही है। इसके अलावा इसमें आपको एक कलर और मिलता है जो कि इसका मैट स्टील ब्लैक कलर है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो अगर आप लोग को उस वीडियो को देखनी है तो ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके स्विचेस क्वालिटी के बारे में, इसके हैंडल बार के बारे में, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंडल बार से, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंडल बार पे आप देखते हैं इंटीग्रेटेड लॉन्ग विंडो स्विच मिल जाएगा, पासिंग स्विच मिल जाता है, इसके नीचे आपको साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाती है। स्विचेस क्वालिटी आपको वही पहले वाली देखने मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके राइट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड इंजन ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, जिसमें आपको साइलेंट स्टार्ट फीचर्स देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो स्विचेस है ना आपको पहले की तरह देखने मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो मीटर कंसोल है ना इसमें अभी भी
आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है। इसके मीटर कंसोल में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको पहले वाला मीटर कंसोल देखने को मिल जाती है जो कि 2022 के लेटेस्ट मॉडल में देखने को मिल जाती थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके मीटर कंसोल में एक भी छोटा सा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हैंडल बार पे आप देखते हैं होंडा का लोगो देखने मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा आपको रेड मेटालिक कलर मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो सेलिब्रेशन एडिशन का आपको गोल्डन कोटेड आप देख सकते हैं काफी अच्छी स्टिकरिंग मिलती है जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड से लुक के बारे में तो यहाँ पे देखिए होंडा का जो 3D एम्बर लोगो देखने मिलता है, जो विंग्स वाला आपको लोगो मिलता है ना 3D में, वो आपको गोल्डन कोटेड मिलती है जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में। इसमें आपको जो ग्राफिक्स मिलती है ना वो भी आपको गोल्डन कोटेड मिलती है जो कि काफी प्रीमियम लगती है देखने में। तो दोस्तों आप लोग को इसका साइड से लुक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वो मिलती है 10.5 लीटर की। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से ग्राफिक्स के बारे में तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफिक्स है इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करते हो। साइड में देखते हैं जो बॉडी लगाया गया इसमें भी आपको गोल्डन कोटेड बॉडी मिल जाती है, 125 लिखा मिल जाता है काफी अच्छे ग्राफिक के साथ। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से इंजन के बारे में तो दोस्तों आपको एक बात क्लियर कर दें कि इसके इंजन में आपको एक छोटा सा भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम आपको 123.94 सीसी का 4 स्ट्रोक SI सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन देखने को मिल जाती है। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वही सेम आपको 7.9 किलोवाट का 7500 आरपीएम पे। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वॉक मिलता है 11 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलेगा वॉक मिलता है प्रोग्राम्ड FI सिस्टम देखने को मिल जाती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने मिल जाते हैं और साथ ही साथ इसमें भी आपको साइड स्टेन इंजन कट ऑफ सिस्टम देखने मिल जाता है जो कि 2022 के लगभग सभी बाइकों में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो इंजन है ना वही सेम देखने मिलेगा, लेकिन पहले से थोड़ा सा रिफाइन इंजन मिल जाता है। और साइड बॉडी पे देखते हैं 125 लिखा मिल जाता है गोल्डन और ग्रे कलर के ग्राफिक के साथ। और अगर हम बात करते हैं इसके अगले बदलाव के बारे में जो कि इसके सीट में देखने मिलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल मॉडल आते हैं ना उसमें आपको ब्लैक कलर में सीट कवर मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर में आपको सीट कवर मिलता है। इसके जो सीट कवर की जो लेदर मिलते हैं ना वो भी आपको थोड़ा सा प्रीमियम देखने को मिलती है। इसकी जो कुशनिंग है ना वो भी आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको काफी छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसके बाद इस बाइक का जो लुक है ना वो थोड़े सा पहले से इम्प्रूव हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं इसके सीट के कुशनिंग के बारे में तो इसके जो सीट की कुशनिंग है ना वो भी थोड़े सा प्रीमियम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए बॉडी कलर में आपको पिलियन ग्रेविल मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो जो साइड बॉडी मिलती है ना वहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छे डिजाइन में आपको साइन लिखा मिल जाता है ग्रे और गोल्डन कलर के ग्राफिक के साथ जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको पिलियन फुटेज मिल जाता है, लेडी फुटेज मिल जाती है, सारी गार्ड देखने मिल जाती है। तो आपकी जो घर की लेडीज है ना वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली राइड कर सकती है। तो दोस्तों ये जो डेली कम्यूटर बाइक है ना इसमें आपको लेडी फुटेज कंपलसरी है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, इसके रियर से लुक के बारे में तो चलिए हम आपको इसका रियर से लुक दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसका जो रियर टेल लाइट है ना वही सेम देखने मिलती है। टेल लाइट के जस्ट ऊपर देखते हैं व्हाइट कलर में आपको होंडा की बैचिंग मिल जाती है। इसकी जो टेल लाइट मिलेगी वही सेम आपको 21/5 वाट का बल्ब टेल लाइट देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके रियर प्रोफाइल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलती, वही सेम आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे साइड से तो यहाँ पे देखिए इस साइड बॉडी पे देख सकते हैं गोल्डन कलर के ग्राफिक के साथ आप देख सकते हैं काफी अच्छा साइन लिखा मिल जाता है जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन से तो इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वही सेम आपको हाइड्रोलिक टाइप का 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है जिसे आप लोग अपने हाइट के हिसाब से 5 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है, ड्रम ब्रेक का सपोर्ट देखने मिलती है जिसकी साइज 130 mm। इसमें आपको CBS सिस्टम मिल जाता है यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है। और इसका जो रियर टायर है ना वो भी आपको 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिलती है। तो ये थोड़ा सा मुझे इसका ड्रॉबैक लगता है, इसके रियर टायर को थोड़ा सा और ज्यादा चौड़ा करना चाहिए होंडा की तरफ से। तो दोस्तों ये तो इसके फीचर स्पेसिफिकेशन की बात, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2046 mm। इसका जो हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 1116 mm का। इसका जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिलता है 1285 mm। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वॉक मिलता है 162 mm। इसका जो सीट हाइट मिलेगी वॉक मिलती है 791 mm। इसका जो कर्व निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 114 kg की बाइक देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो इस बाइक की डायमेंशन की बात, अब अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से माइलेज के बारे में तो लगभग आप मान के चलिए इसका जो माइलेज मिलेगा ना पहले से 14% एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। तो लगभग आप मान के चलिए 55-60 का माइलेज ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के माइलेज के फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा आपको हाईलाइट बता देते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मेन चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा, इसमें आपको सेलिब्रेशन एडिशन का बैचिंग देखने मिल जाती है। तीसरा, इसमें आपको गोल्डन कोटेड में आपको फ्रंट वाइजर मिलता है। चौथा, इसमें आपको प्रीमियम गोल्डन स्टिकर्स मिल जाते हैं। छठा, इसकी जो प्राइस है इसके नॉर्मल मॉडल से आपको 1000 रुपये ज्यादा देखने मिलते हैं। तो दोस्तों यही सारे छोटे छोटे इसके कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं इसके सेलिब्रेशन एडिशन में। बाकी बाइक इंजन वाइज वही सेम देखने मिलते हैं, इसमें आपको इंजन वाइज कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये सेलिब्रेशन एडिशन नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये रेड मेटालिक कलर है ये आप लोगों को कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये बाइक अच्छी लगी, ये कलर अच्छा लगा तो प्लीज अपने एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस न कर सके।
तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई सवाल करना है या फिर कोई डाउट है तो नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को कमेंट कर रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करना है, फिर हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।